मगर ये भगोड़ी समझती है कि शायद हैदर जो है वो सीमा को बुला रहा है, ये हैदर जो है वो सीमा को बोल रहा है कि तुम आ जाओ, तेरी इतनी औकात है कि वो तुझे बुलाएगा। भगोड़ी मुझे पहले तू ये बता कि तेरी इतनी औकात है कि हैदर भाई तुझे बुलाएगा? क्यों, हैदर को औरतों की कमी है? हैदर क्या लंगड़ा लूला अंधा काना है? अगर तुझे वो सड़ा हुआ चूहा मिल सकता है, मरा हुआ चूहा मिल सकता है, तो हैदर को तो एक से एक मिल सकती है। हैदर माशाल्लाह से खूबसूरत है, जवान है, हर चीज है, क्या नहीं है उसके पास? किस चीज की कमी है हैदर भाई के पास? आज चाहे तो वो 10 औरतों इसके साथ खड़ी हो जाए, 10 औरतों के साथ वो शादी करके बैठ जाए, मगर वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की वजह से शोर कर रहा है, क्योंकि एक बाप है, उसने एक उम्र गुजारी उन बच्चों को पालते पोसते हुए, बचपन से लेकर उनको इतना उन बच्चों को किया है, उसने अपनी जवानी उसके ऊपर बच्चों के ऊपर गुजारी, अपनी दिन रात मेहनत करके बच्चों को खिलाया, तो आज भी वो बच्चों की वजह से ही चीख रहा है, आज भी वो बच्चों की वजह से ही आवाज उठा रहा है। और वो हैदर नहीं, हैदर के साथ पूरी दुनिया उसका साथ दे रही है, या चंद जो काले कोट पहनकर बैठ जाते हैं कि हम वकील हम वकील हम वकील, उन लोगों के अलावा कोई एक चैनल ऐसा बताओ, चंद लोगों के अलावा, चंद गिनती के 5-7 लोग भी नहीं है जो ये आवाज उठा रहे हैं। हैदर से एक, हैदर को बच्चे नहीं मिलेंगे, सीमा को बच्चे मिलेंगे, बच्चे सीमा के साथ रहेंगे, सीमा प्यार में आई है, क्योंकि उनकी बहू बेटियां भी प्यार में कहीं भी जाएंगी अनकरीब ऐसा ही होगा, तो इस वजह से वो उन्हीं का साथ दे रहे हैं। हैदर भाई के साथ पूरी दुनिया खड़ी है, पूरी दुनिया, इसमें कोई एक बंदा नहीं है, कोई मुसलमान, कोई हिंदू, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई ऐसी बात नहीं है, इंसानियत के नाते हैदर भाई के साथ पूरी दुनिया खड़ी है। बच्चों के लिए हर बंदा आवाज़ उठा रहा है, हर कोई कह रहा है कि बच्चे बाप को मिलने चाहिए, बच्चे बाप को मिलने चाहिए, और हर बात में ये भौंकती है कि बच्चे उसके नहीं है, तो फिर ये भी बता दे, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि बच्चे इसने कहाँ से लिए, फिर बच्चों का नाम बताए, और बच्चों के बाप का नाम बताए, बताए कि बच्चे किसके हैं। अगर हैदर भाई के बच्चे नहीं तो जाहिर है किसी के तो होंगे ना, किसी ना किसी के तो बच्चे होंगे, आखिर तो उनका कोई बाप होगा, उन बाप का नाम बता दे कि भाई ये इसके बच्चे हैं, उस बाप का नाम बता दे, वाजे करे, फिर तो इसका मतलब यही है ना, अगर हैदर के बच्चे नहीं तो ये हराम के बच्चे हैं, क्योंकि ये बोलती है हैदर के बच्चे नहीं है, तो फिर उसके बाप का नाम बताए, बात तो तब पता चलेगी ना। हैदर के बच्चों को अपने बच्चों के साथ वो कहती है कि कंपेयर करके देखो, मेरे बच्चों को कंपेयर करो हैदर के बच्चों के साथ, अबे बगैरत औरत, वो भी उसी के बच्चे हैं, वो भी उसी के बच्चे हैं, फर्क सिर्फ इतना ही कि वो गांव में रहते हैं और ये शहर में रहते थे, इस वजह से हर बंदों बच्चों में फर्क आता है, हर औरतों में, हर मर्दों में फर्क आता है, क्योंकि जैसा रहन सहन होगा वैसा ही उनका माहौल होगा, तो वैसे ही उनके देखने में लगेंगे, वो गांव के रहने वाले हैं, वो शुरू से अपने दादा दादी के पास रहते हैं तो वो गांव में रहते थे, तो वो गांव के हिसाब से है, उनकी परवरिश वहां पर हुई है तो वो गांव के हिसाब से दिखते हैं, और जो ये शहर में थे उन्होंने आंखें खोली शहर के अंदर ही उनके साथ रहे हैं, तो इस वजह से ये शहर ही थोड़े अलग से डिफरेंट नजर आते हैं। क्या फर्क है उनमें, क्या उनके 2 सिंग निकले हुए या इनके 2 सिंग निकले हुए? बच्चे तो वो भी बच्चे हैं, बच्चे तो वो भी बच्चे, अगर वो गांव वाले बच्चों को भी शहर में लाके रखेंगे तो वो भी 1 महीने के अंदर उनका सब कुछ चेंज हो जाएगा, उनका जब माहौल चेंज होगा, जब एक शहर से गांव या गांव से शहर बच्चा जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ की चेंजिंग आ जाती है, तो फिर ये कैसे भौंकती है कि मेरे बच्चों को देखो और हैदर के बच्चों को देखो? हैदर ने तो बोला ही नहीं है कि मुझे ये चाहिए, हैदर तो शुरू से अभी तक यही बोल रहा है मुझे मेरे बच्चे चाहिए, मुझे मेरे बच्चे चाहिए, वो तो अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहा है और पूरी दुनिया उसके बच्चों के लिए आवाज़ उठा रही है और हमेशा उठाती रहेगी। ये जितना भी भौंक ले, इसके भौंकने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किसी को भी। ये अपने आप को समझती है कि पता नहीं मुझे हैदर अपने पास बुला रहा है, पता नहीं हैदर मेरे लिए मर रहा है, मैं अगर पाकिस्तान नहीं जाऊंगी तो दुनिया में पता नहीं कौन सा तूफान आ जाएगा, तू जहाँ की गंदगी जहाँ पर बैठी है ना तू वहीं रहे, हमें तेरी ज़रूरत भी नहीं है, हम सिर्फ बच्चों को बुला रहे हैं, सिर्फ बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, सिर्फ बच्चों के लिए शोर मचा रहे हैं, हमें तेरी ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान का थूका हुआ लपू को मुबारक, पाकिस्तान का थूका हुआ एपी को मुबारक, पाकिस्तान का थूका हुआ पूरी दुनिया को मुबारक जिनके साथ तू बैठी हुई है, हमें नहीं चाहिए ऐसी गंदगी, वहाँ यहाँ से गंदगी वहाँ निकल गई, जान छुटी, पता नहीं कितने घर यहाँ पे बर्बाद होने से बच गए, पता नहीं कितनी जिंदगियाँ बर्बाद होने से बच गई, पता नहीं कितने लोग कोई इज्जत महफूज रह गई, वरना अगर तू यहाँ पर भी रहती ना तो पता नहीं अभी तक वो हैदर का पहला घर बर्बाद तूने करवाया, अगर यहाँ पे अभी भी तू रहती तो पता नहीं तू कितने घर बर्बाद करवाती, पता नहीं तू कितनी जिंदगियाँ बर्बाद करवाती, पता नहीं तू कितनी औरतों की जिंदगियाँ बर्बाद करवाती। अच्छा हुआ तू गंदगी यहाँ से निकली, ना तेरी इज्जत यहाँ पे थी ना तेरी इज्जत वहाँ पे कोई है, क्योंकि तेरी औकात ही नहीं है वो, तेरी औकात ही नहीं है वो कि जिस औरत को इज्जत से 4 दीवारी में रखा जाए, तेरी जैसी गलीज औरत की जगह यहाँ पे है भी नहीं, तू एक रखेल थी, रखेल है और हमेशा रखेल ही रहेगी। पाकिस्तान में भी तू रखेल बन के रह रही थी, किसकी रह रही थी ये बहुत अच्छी तरह से तुझे पता है, वहां पे भी तू रखेल ही बन के रह रही है, तू एक रखेल है, एक कोठे वाली, एक मुजरे वाली है। 2 नंबर औरत का भी ना एक म्यार होता है, शायद तेरा वो भी म्यार नहीं है, तेरी इतनी भी औकात नहीं है कि तू इस तरीके से अपने घर में बाइज्जत रह सके, ठीक है? तेरी औकात के मुताबिक तू जहाँ पे बैठी है तू वहीं पे सही रखती है। हैदर को सिर्फ अपने बच्चे चाहिए, शुरू से लेकर अभी तक हैदर ने बच्चों के लिए ही आवाज़ उठाई है, हैदर अपने बच्चे लेके रहेगा, पाकिस्तान बच्चे ज़रूर आएंगे, आज नहीं तो कल, देर होगी जो भी होगा दुरुस्त होगा, इंशाल्लाह ताला कहते ना देर होगा दुरुस्त होगा, जो भी फैसला होगा
इंशाल्लाह जो भी होगा हैदर के हक में होगा, बच्चे हैदर को मिलके रहेंगे, आज नहीं तो कल बच्चे पाकिस्तान आएंगे और तू खुद अपनी आंखों से देखेगी। बच्चों को मोहरा बनाकर तू वहां पर लेकर जरूर गई है, मगर अब तू ज्यादा देर बच्चों को वहां पे रख नहीं सकती। तू जितना भी उछल रही थी ना बच्चों के दम पे उछल रही थी, जब बच्चे यहाँ पे आ जाएंगे ना उसके बाद देखेंगे तेरी औकात। तूने तो आखिर एंड जेल में ही जाना है, तूने तो वहीं पर जेल में जाके चक्की पीसनी है, और साथ में ये इसने भी लपू ने भी वहाँ पे पिछवाड़े पे डंडे खाने, जूते खाने, तूने भी खाने। और उस वक्त का हमें बहुत शिद्दत से इंतजार है, उस दिन पाकिस्तान में जैसे आजादी का दिन मनाया जाता है या ईद का दिन मनाया जाता है, उस वक्त तेरा भी ऐसा ही हाल होगा। और यहाँ पे पूरी दुनिया जश्न मना रही होगी, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे दुनिया की कोई भी जगह हो, हर जगह पे लोग जश्न मना रहे होंगे बच्चों के पाकिस्तान आने पर, बच्चों का बाप के साथ मिलने पर, और तेरी वहां पर तेरी असली जगह पर जाने पर लोग हर कोई जश्न मना रहा होगा, खुशियां मना रहा होगा, क्योंकि आखिरकार होना यही है, आज भी कल भी। देर होगा दुरुस्त होगा, हमें पूरा यकीन है, अपने रब पर भी, गवर्नमेंट पे भी हमें पूरा यकीन है। इंशाल्लाह जो भी होगा बहुत अच्छा होगा और हैदर भाई के हक में होगा।